हेलो स्टूडेंट्स, मीडियम फाइंड करने के एक स्पेशलाइज क्वेश्चन के रूप में दो या तीन मार्क्स में ये क्वेश्चन भी कभी कभी बड़ा इम्पोर्टेंट रूप से हमारे बीच में आ जाता है। नॉर्मली एनुअल एग्जाम में तो इसकी उम्मीद नहीं करता मैं, फिर भी आपकी टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में और प्रैक्टिस के लिए हमारे नॉलेज के लिए क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशल किया। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मतलब बढ़ते क्रम में जमाया, छोटे से बड़े क्रम में जमा करके रखा गया है, ठीक है। मतलब ये संख्याएं देखिए हम 36, 48, 54, 59 सब बढ़ती जा रही है, उसी क्रम में ये एक्स वाली संख्याएं भी, ये भी बढ़ते क्रम में जमी हुई है, ओके। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, अगर इस दी गई सूचनाओं का मीडियन मतलब माध्यिका क्या है, इस 76, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करा जाए तो मीडियन माध्यिका आएगी 76। अच्छा, इसने आंसर तो पहले दे दिया, फिर पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू, ये जो अननोन नंबर रखी हुई है एक्स, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करते, आंसर तो पहले से दे रखा है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आंसर दे रखा है, हमारे पास जो आंसर दिया है हम सबसे पहले उसको लिख देते हैं, मीडियन इज 76। नाउ काउंट नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं आपके पास, इतना ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा 6, 7, 8, 9, 10, 10 मतलब 10, कुल कितने पद हैं आपके पास 10। एन इज इक्वल्स टू 10, इसे हम क्या बोलते हैं, संपर्क even number of terms, even number of terms में median find करने के लिए formula क्या होता है आपका, याद है आप लोगों को formula, even number of terms में median माध्यिका के लिए formula होता है 1/2 bracket में n by 2 term plus n by 2 plus 1 term। क्या कहा है हमारे पास में फॉर्मूला, एक बार हिंदी में लिख देता हूं मैं, माध्यिका बराबर 1/2 एन बटे 2 बे पद का मान, 2 बे पद का मान प्लस एन बटे 2 प्लस 1 बे पद का मान, वैल्यू ऑफ एन बाय 2 का प्लस एन बाई टू प्लस वन एन का। अब क्या होगा इसमें हमारे पास 1/2 माध्यिका की जगह माध्यिका की वैल्यू रख दो, ये पहले से दे रखी है 76 इज इक्वल टू 1/2 एन बाई टू का पद, एन कितना आपके पास एन बाई टू प्लस इधर एन की जगह 10/2 प्लस 1 टर्म, इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको क्या हो जाएगा हमारे पास में, इधर तो 76 है, 76 इज इक्वल टू 1/2 एन बाय टू का पद मतलब 2 × 2, 2×5 एंड फिफ्थ टर्म पांचवा पद प्लस यहां 2 × 2, 2×5 10, 5+1, 6 छठा पद, पांचवा पद प्लस छठा पद का अब क्या हो गया हमारे पास 76 इज इक्वल टू 1/2 अंदर की संख्याओं को जोड़ा x प्लस एक्स 2x प्लस 4 का 4 नेक्स्ट 76 1/2 मतलब 2 से अंदर की संख्याओं को डिवाइड कर दें, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, 1x प्लस 2 × 2, 4x प्लस 2 प्लस के 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, प्लस के 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले आए तो 76 प्लस का 2 इधर आके माइनस 2 इज इक्वल्स टू x और 76 माइनस 2 74
एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 74. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन इज 74. इट इज इजी, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं. आपकी किस्मत अच्छी हो तो इस क्वेश्चन को बोर्ड वाले 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, वरना 2-3 मार्क्स का तो हम समझते हैं इसको ठीक होना चाहिए और बच्चों को इसे आना चाहिए. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. गुड डे.